हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अथर लिटिल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि बच्चों को आप लिखना कैसे सिखाएं या फिर लिखने में बच्चों का इंटरेस्ट आप कैसे डेवलप करें। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि हमारा बच्चा तो 3 साल का हो गया और वो अभी तक कुछ भी नहीं लिखता है, और इसी एज ग्रुप के और बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने बच्चों का कंपेरिजन करने से पहले आप ये बात जान लें कि हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे की अपनी एबिलिटी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दूसरे का बच्चा जो है वो इस एज में अच्छा लिख रहा है और आपका बच्चा नहीं लिख रहा है तो आपका बच्चा थोड़ा पीछे है उन बच्चों से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइटिंग स्किल जो है वो बच्चों में थोड़ा लेट ही आती है। हाँ, कई बार बच्चे थोड़ा जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो लिखना थोड़ा लेट ही स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो मैंने खुद अथर्व के साथ फॉलो करे हुए हैं, एंड इट रियली गिव्स मी गुड रिजल्ट्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स बच्चा लिखना स्टार्ट करता है। तो आप बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशराइज़ नहीं करें लिखने के लिए, जैसा बच्चा कंफर्टेबल है उसको वैसा लिखने दीजिए। जैसे जैसे बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी वैसे वैसे बच्चा खुद से ही कंफर्टेबल हो जाएगा लिखने के लिए। बट कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे उसमें सबसे पहली चीज़ आती है स्क्रिबलिंग। जितना हो सके बच्चों को स्क्रिबलिंग करने दीजिए। जितना ज़्यादा बच्चा स्क्रिबलिंग करेगा उतनी ही अच्छी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स होंगी, और जितनी अच्छी बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स होगी उतनी ही अच्छी बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग होगी, जो इस टाइम पर आपकी बिल्कुल प्रायोरिटी होता है। फ्रेंड्स, जितना हो सके बच्चों को क्रेयॉन्स दीजिए, कलर पेंसिल दीजिए, जिससे कि उनकी जो हैंड मूवमेंट हो वो इम्प्रूव हो सके और बच्चों की मोटर स्किल्स डेवलप हो। जैसे भी बच्चा पेंसिल पकड़ता है उसको पकड़ने दीजिए, चाहे वो टॉप से पकड़ता है, मिडल से पकड़ता है, बॉटम से पकड़ता है, जैसे भी उसे कंफर्टेबल है उसको स्क्रिबलिंग करने दीजिए, और उसे फ्री हैंड से जो भी वो चाहते हैं बच्चे कॉपी में करना आप उनको वो करने दीजिए। इससे बच्चों का जो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कलर्स के थ्रू, और बच्चा राइटिंग में इंटरेस्ट डेवलप करता है। तो सबसे फर्स्ट जो आपको करना है वो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है राइटिंग की तरफ। सेकेंड थिंग इज बिफोर राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन और राइटिंग का क्या रिलेशन है, तो मैं आपको बता दूं कि बच्चे जब कुछ लिखते हैं तो उसकी पिक्चर अपनी एक माइंड में सेट करते हैं। अगर बच्चा रिकॉग्नाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और आप बच्चों को बोलेंगे कि ए लिखो, तो बच्चा उसकी पिक्चर प्रॉपरली माइंड में अपनी नहीं बना पाएगा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये लिखना। तो लिखने से पहले जितना हो सके आप बच्चों को ओरल पढ़ाइए, मतलब कि जैसे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, शेप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ आप पहले बच्चों को ओरल सिखा दीजिए, उसके बाद आप राइटिंग पे जंप करिए। अब रिकॉग्नाइजेशन कैसे सिखाना है बच्चों को, उसका जो वीडियो है मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आई लिंक में दे दूंगी, वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। अब रिकॉग्नाइजेशन से कैसे फ़ायदा होता है बच्चों को, तो मैं आपको बता दूं कि कई बार बच्चे स्टार्टिंग में ट्रेसिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और वो फ्री हैंड लिखने की कोशिश करते हैं। आप कितना भी कोशिश करेंगे उनका हाथ पकड़ के ट्रेस करने का, बट वो नहीं कम्फर्टेबल होंगे ऐसे, और वो फ्री हैंड से ही कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो अगर बच्चा रिकॉग्नाइजेशन सीख जाता है तो आप मैच फॉलोइंग बच्चों को करा सकते हैं। आप इस टाइप की वर्कशीट बना सकते हैं जिसमें आप अल्फाबेट्स, नंबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शेप्स कुछ भी बनाकर बच्चों को फ्री हैंड से मैच द फॉलोइंग करने के लिए बोल सकते हैं। ये सारे वर्कशीट्स आप घर पे ही बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है और बच्चा भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा अगर बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन पहले से आता होगा। अब इससे 2 फायदे होंगे आपको, एक तो बच्चा जो रिकॉग्नाइजेशन में और ज़्यादा कंक्रीट हो जाएगा, और सेकंड इससे बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी होगी, जो इस टाइम पर आपकी प्रायोरिटी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप बच्चों को बेसिक लाइन्स पढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने सुना ही होगा स्लीपिंग लाइन्स, स्लांटिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स एंड कर्व लाइन्स। ये बेसिक लाइन्स हैं जो आप बच्चों को अल्फाबेट ट्रेसिंग से पहले पढ़ाएं। अब ये लाइंस पढ़ाना क्यों है अपने बच्चों को, इसलिए क्योंकि इन लाइंस की हेल्प से ही बच्चा अल्फाबेट ट्रेसिंग करना सीखेगा। जैसे अल्फाबेट ए है, तो अल्फाबेट ए जो है वो एक स्लांटिंग लाइन से और एक स्लीपिंग लाइन से बना हुआ है। अल्फाबेट बी है वो एक स्टैंडिंग लाइन से और कर्व लाइन से बना हुआ है। तो बेसिकली जितने भी सारे अल्फाबेट्स हैं वो सब इन बेसिक लाइन्स से ही मिलकर बनते हैं, इसलिए ये लाइन्स आपको पढ़ाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब
अब आपने इससे पहले बच्चों को मैथ्स द फॉलोइंग कराया हुआ है, तो अब बच्चा इन लाइंस को करने में इंटरेस्ट ज़रूर दिखाएगा, क्योंकि उसने थोड़ा सा पेंसिल ग्रिपिंग पहले से सीख ली है। तो बेसिक पर्पस इन सारी लाइंस को पढ़ाने का बस इतना ही है कि वो जो भी अल्फाबेट्स और नंबर्स हैं वो प्रॉपरली बाद में लिख पाए। जब ये लाइंस आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पे आप पूरे एक पेज पे एक ही टाइप की लाइन बनाएं। जैसे कि एक पेज पे आपने केवल स्टैंडिंग लाइंस ही बनाई, या फिर एक पेज पे आपने केवल स्लीपिंग लाइंस ही बनाई। ऐसा नहीं करें कि एक पेज पे आपने स्लीपिंग लाइन भी बना दी, स्टैंडिंग लाइन भी बना दी, स्टैंडिंग लाइन भी बना दी, तो बच्चे इससे कन्फ्यूज हो जाएंगे। जब भी आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करें ये वाली लाइंस, तो उनको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ज़रूर बताएं कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है, कहाँ पर उनको ख़त्म करना है, जिससे कि बच्चों का पेंसिल पे कंट्रोल बना रहे। ऐसा नहीं करें कि वो आपने अगर स्टैंडिंग लाइन बनाई है तो पूरा का पूरा पेज ऊपर से नीचे तक ही वो उसमें लाइन कर दें। उनको पता होना चाहिए कि कहाँ से उनको स्टार्ट करना है और कहाँ पर उनको स्टॉप करना है। स्टार्टिंग में बच्चों को मार्कर वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं दें, क्योंकि बच्चों के फिंगर्स में उस टाइम पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है। तो जितना हो सके बच्चों को क्रेयॉन्स दें, या फिर बच्चों को कलर पेंसिल दें, या फिर आप बच्चों को अगर उस पे सिखा रहे हैं, बोर्ड पे अगर आप सिखा रहे हैं, तो चॉक और डस्टर वाला ही बोर्ड आप यूज़ करें, जिससे कि बच्चों के फिंगर्स पे ज़्यादा लोड ना पड़े, मतलब ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और बच्चे ज़्यादा प्रेस ना करें अपनी फिंगर्स को। ये जो ट्रेसिंग है ये आप अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप बच्चों को बोल सकते हैं कि ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है, या फिर 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है। तो इस टाइप से भी आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे जैसे बच्चा कंफर्टेबल होगा लंबी लाइंस को ट्रेस करने के लिए, उसके बाद आप उन लाइंस की जो लेंथ है वो कम कर दीजिए। फिर आप एक पेज पे डिफरेंट लाइंस बनाइए और वो बच्चे को ट्रेस करने के लिए बोलिए। इन शॉर्ट, जब आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा रेडी है अगले लेवल के लिए, तो आप बच्चे का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दीजिए। लास्ट स्टेप में आप बच्चों को अल्फाबेट ट्रेसिंग सिखाइए। अब इसमें भी ऐसा ही है कि एक पेज में आप एक ही अल्फाबेट बनाइए और उसे बच्चों को ट्रेस करने के लिए बोलिए। एक दिन में आप कम से कम 2 वर्कशीट्स एक ही अल्फाबेट की बच्चों को ट्रेस करने के लिए दीजिए। जैसे जैसे बच्चा कंफर्टेबल होगा उसे बड़े ए को से ट्रेस करने में, वैसे वैसे बच्चों की आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाइए। अपना एक्सपीरियंस बोलूं तो मैंने अथर्व को कोई भी ऐसे ट्रेसिंग करना नहीं सिखाया या पेंसिल पकड़ना उसको नहीं सिखाया। मैंने उसको स्टार्टिंग से ही फाइन मोटर स्किल्स काफ़ी कराई, जिससे कि उसकी जो ग्रिपिंग है वो स्टार्टिंग से ही अच्छी हुई है। जब भी आप बच्चों को ट्रेसिंग सिखाएं तो आप बच्चों को हमेशा प्रॉपर पकड़ने को बोलें पेंसिल। स्क्रिबलिंग बच्चा जैसे भी करे, जिस भी पोजीशन में करे, इट्स ओके। बट जब बच्चा ट्रेसिंग पे आता है तो ट्रेसिंग में आप कोशिश करिए कि बच्चा अपने ट्राइपॉड उस पर ही पकड़े। प्रॉपर तरीका होता है पेंसिल होल्ड करने का, वो एक ट्राइपॉड पोजीशन होती है, जिस पोजीशन को आपको बच्चों को सिखाना है, जो धीरे धीरे बच्चा वैसे खुद को सीख जाता है। बट स्टिल आपको कोशिश करनी है कि जब बच्चा ट्रेस करता है तो एटलीस्ट वो पेंसिल को बिल्कुल जैसे बॉटम से पकड़ते हैं वैसे ही पकड़े, जिससे कि उसको पता रहे कि पेंसिल एक्चुअल में कैसे पकड़नी है। अब ये सारी चीज़ें बच्चे करे उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स भी डेवलप करें, क्योंकि लिखता जो है वो बच्चा केवल एक दिन में 2 या 5 मिनट ही है, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं बैठते हैं। उसके अलावा आप बच्चों की एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं वो ज़रूर डेवलप करें। आप बच्चों को डो दीजिए, आप बच्चों की बैलेंसिंग की एक्सरसाइजेस करवाइए, या फिर बच्चों की आई हैंड की कोऑर्डिनेशन वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो बच्चों को कराइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बच्चा लिखना सीखता है, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों की मसल
स्ट्रेंथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हैंड्स की हो, चाहे वो शोल्डर्स की हो, चाहे वो नेक की हो, कहीं की भी हो, लेकिन बच्चों के पास स्ट्रेंथ होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो आप कितना भी कोशिश करेंगे बच्चों को कि बच्चा लिखे, बट बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। तो कोशिश करें कि बच्चों की जो मोटर स्किल्स हैं वो आप ज़रूर डेवलप करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।